हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का पापड़। आज हम इसे बिना भाप के बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताएंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गेहूं के आटे का पापड़ बनाने के लिए मैंने गूथा हुआ आटा लिया है। आप चाहें तो गेहूं के आटे को पहले गूथ लें, उससे आप पापड़ बनाएं। तो एक हम बर्तन लेंगे, उसमें हम ये आटा डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर पानी डालेंगे, पानी पूरा ऊपर तक डालेंगे जिससे आटा उसमें अच्छी तरह से डूबा रहे। अब हम इसे ढक देंगे और ढक कर 3 घंटे के लिए रख देंगे। 2 से 3 घंटे में आटा अच्छे से फूल जाता है और आटा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। अब हम हाथ से इसे मस लेंगे। बहुत आसानी से ये आटा पानी में घुलने लगता है और ये घोल जैसा हो जाता है। घोलने के बाद इसमें कुछ गेहूं के भूसी छिलके वगैरह होते हैं, उसे हमें निकालना है। तो निकालने के लिए मैंने एक बर्तन लिया है, उसके ऊपर एक छलनी रखेंगे और उससे इसे छान लेंगे। इसे आप कपड़े या दुपट्टे से भी छान सकते हैं, जिससे गेहूं के आटे में जितने भी गेहूं के छिलके होते हैं या उसके स्टार्च होते हैं वो बाहर आ जाएँ। तो देखिए, ये धीरे धीरे ये किनारे होने लगा है, ये छिलका और स्टार्च है, तो इसे हम निकाल देंगे। इसे हम 1 से 2 बार और छान लेंगे, जिससे ये थोड़ा और सफ़ेद हो जाए। जितना ही सफ़ेद रहेगा उतना ही पापड़ सफ़ेद सफ़ेद बनेंगे। तो देखिए, मैंने 2 बार और छाना है और ये बिल्कुल दूध जैसा हो गया है। अब हम इसे एक बार और आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। आधे घंटे बाद पानी ऊपर की तरफ हो जाता है और नीचे गेहूं के आटे की परत बैठ जाती है। तो हम एक बर्तन में इस पानी को निकाल लेंगे। तो ऊपर ऊपर के ही पानी को हम निकालेंगे। जैसे ही इसमें आटे का घोल आने लगे, हम पानी निकालना बंद कर देंगे। तो अब हम इस आटे के घोल से पापड़ बनाएंगे। तो ये घोल 2 कप के करीब है इस कप से, और इसी कप से हम पानी डालेंगे। तो इस कप से मैं 6 कप इसमें पानी डाल रही हूँ। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। जीरा और कुटी हुई लाल मिर्च डालकर भी आप इस पापड़ को बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सादा पापड़ बना रही हूँ। अब हम इसे गैस पे रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे। धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है और ये गाढ़ा होने लगा है। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाए, हमें इसे 5 से 7 मिनट तक और पकाना है। उबाल आने के बाद मैंने इसे 7 मिनट तक पकाया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। चलिए अब हम पापड़ बना लेते हैं। पापड़ बनाने के लिए मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है। इस पर ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 चम्मच की हेल्प से इसे इस तरह से पापड़ डालते जाएँ। छोटे बड़े जिस साइज में आपको पापड़ बनाना है बना सकते हैं, ये पापड़ फटते नहीं हैं। बहुत आसान है ये पापड़ बनाना। तो इस तरह से हम सभी पापड़ फैला लेंगे और इसे 2 दिन तक धूप में सुखा लेंगे। 2 दिन धूप में सूखने के बाद ये पापड़ देखिए एकदम पारदर्शी हुए हैं, और ये देखिए बिल्कुल चावल के पापड़ जैसे हुए हैं। और ये पापड़ तलने के बाद ये अपने साइज से डबल में फूल जाते हैं। तो चलिए मैं तल के दिखा दे रही हूँ। पापड़ तलने के लिए तेल को अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद पापड़ तलें। तो ये देखिए डबल साइज हो जाते हैं इस पापड़ के, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार गेहूं के पापड़ बनाकर ज़रूर देखिएगा। रेसिपी जरा भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नई नई रेसिपी की वीडियो मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।